आज के पंडित जी हैं हमारे ही छोटे पालियों को देखो, हमारे छोटे छोटे जो प्यारे से बच्चे हैं, हवन सामग्री होती है वो सारे बच्चों दरवाजों पे चिपका रहे हैं। और ये है सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है पुष्पा रावत और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा रावत ब्लॉग्स में। और मेरे गाँव का नाम है सियासुगढ़ कोटमा, जो की देवभूमि उत्तराखण्ड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कमरे से हो रही है, मैं रेडी भी हो चुकी हूँ। और आज बसंत पंचमी है तो आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बाहर मेरे ब्लॉग की स्टार्टिंग हुई कमरे से, और क्योंकि बाहर पे जो मेरे घर के सामने जो रोड है, दुकान है, तो वहाँ पे खूब सारा शोर शराब है, तो इसलिए मैंने कमरे से ही ब्लॉग स्टार्ट किया। और आज का मौसम आप लोग देख सकते हैं कितना सुहावना मौसम है, एक भी बादल नहीं लगा हुआ है। और एक चीज है, यहाँ ऊपर से ना बहुत भयंकर वाला धुआं आ रहा है, ये देख सकते हैं भयंकर वाला धुआं है या कुछ और है, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि जंगलों में आग लग चुकी है। यहाँ ऊपर वाले, यहाँ से तो दिखाई नहीं देता है, पर भयंकर वाला धुआं, केवल धुआं धुआं ऊपर तक दिखाई दे रहा है। और साथ में मेरे पतिदेव तो परसों आ चुके थे घर, पहला तैयार कर दिया है सरस्वती पूजा के लिए, तो इसमें मैंने थोड़े सी गुलगुले बनाए हैं तो वो हैं, और चावल है। और आज मैं सरस्वती पूजा में अपना, तो आज सरस्वती पूजा के लिए मैं ले जा रही हूँ एक पेन, और ये पेन ले जाऊंगी दूंगी मैं नवनीत के लिए, और अपने लिए जो ये सिलाई है मेरी बुनाई की, तो इनको भी ले जाऊंगी क्योंकि मेरी बुनाई का काम ना बहुत ढीला हो चुका है। साथ में ना यहाँ पे अखरोट की लकड़ियाँ भी मैंने यज्ञ के लिए तैयार कर दी हैं, जो वहाँ पे जग्गी होती है उसके लिए ये सूखी लकड़ियाँ हैं, तो इनको भी ले जाऊंगी मैं इसी में डाल के। सरस्वती पूजा के लिए बच्चों में काफी उत्साह रहता है, ये देखो। और हमारे टाइम पे ना हमारे विद्यालय में नहीं होता था, और ये कार्यक्रम तो केवल जो विद्या भारती द्वारा संचालित शिशु मंदिर है उन्हीं विद्यालय में होता है सरस्वती पूजन। तो ये देखिए, ये देखो छोटे छोटे भैया भी हाय बोल दे, हाय मिठू हाय, आप भी बोलो हेलो, हेलो बोलो, हेलो गुड। तो तेजू के साथ उसकी बुल्ली है, अब वंशी के साथ वंशु का बुल्ला है, बुल्ला और बुल्ली को ले जा रहे हैं ये। चलो चलो चलो, हम लोगों का जो हवन होगा वो यहाँ ओपन ग्राउंड पे होगा, फील्ड में होगा। और आज के पंडित जी हैं हमारे ही विद्यार्थी हैं संतोष सती, तो यही पूजा करेंगे। बाकी हम लोगों ने यहाँ पे सरस्वती माँ का ही चित्र भी लगा दिया है, और यहाँ पे ना मेरा जो पेनलार का था वो भी मैंने यहाँ पूजा में रख दिया है, और ये भी रख दिया है साथ में। ये पता, ये किसका पेन है? और ये सब पंडित जी का पेन है ये यहाँ पे। तो बच्चे लोग ना यहाँ पे पेन के लिए हवन में जो पूजा होती है आज बसंत पंचमी पे ना, तो उसमें पेन वगैरह भी रखते हैं। सरस्वती माँ से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोगों, जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, जो नहीं भी जुड़े हुए हैं, तो माँ सरस्वती की कृपा उन सभी लोगों पे बनी रहे। आप लोगों के घर में सरस्वती माँ की खूब कृपा बरसे। हमारे छोटे छोटे पालियों को देखो, हमारे छोटे छोटे जो प्यारे से बच्चे हैं, और आज ना बहुत कम बच्चे आ रखे हैं। जिस दिन छुट्टी होती है ना उस दिन नज़दीक के ही बच्चे आते हैं, दूर के बच्चे नहीं आ पाते हैं। तो सरस्वती पूजन की हवन सामग्री होती है वो सारे बच्चों के द्वारा ही आती है। ये है जौ, और इसमें ना कुछ जंगली जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है वो भी मिला रखी है। तो बाकी बच्चों के द्वारा इतना सारा सामान आ चुका है, लेकिन जौ तिल इस बार ना बहुत कम लाए बच्चे, और बाकी इस बार मिठाई वगैरह बहुत सारी ला रखी है। और ये जौ जो लास्ट में पूजा के बाद गोबर के साथ दरवाजों पे चिपकाए जाएंगे, तो वो ये है। तो बाकी यहाँ पे पंडित जी ने गणेश भी बना दिया है, और पूजा में सबसे मेन होता है गणेश जी, चाहे किसी की भी पूजा हो तो गणेश की पूजा सबसे पहले होती है। अरे जंगल में ना बहुत भयंकर वाली आग लगी हुई है, धूप देख सकते हैं आप, बहुत हल्की हो चुकी है, इस तरफ भी वो धुआं जा चुका है, इतना भयंकर। बसंत पंचमी पे क्या होता है कि बच्चों के न्यू प्रवेश भी होते हैं, नए प्रवेश होते हैं, तो बच्चों के आज ये इन बच्चों का प्रवेश होगा, और ये इनके गले में माला डाल दिया है, इनका स्वागत कर दिया है हम लोगों ने।
तो आज की पूजा के लिए माता पिता को भी बुलाया रहता है लेकिन आते नहीं हैं, और बिब्बू की दादी आई हुई हैं केवल, और वहाँ पे अनन्या की मम्मी भी आ चुकी हैं। तपूर्ण आहुति संपन्न होने के बाद अब परिक्रमा करेंगे, बाकी सरस्वती माँ की कृपा बच्चों पे बनी रहे। तो दरवाजों में जो हरे जोट लगाए जाते हैं वो भी शुभ हरियाली के प्रतीक माने जाते हैं। कि जो जौ बचे हुए थे हम लोगों ने वहाँ पे पंडित जी ने माला भी बना दी है, और थोड़ा बचे हुए हैं तो मैं इतना घर ले जाऊंगी थोड़ा सी गोबर, और ये क्योंकि मैंने भी अपने दरवाजों पे अभी जौ नहीं चिपकाए। बाकी हम लोगों का हवन भी एक घंटे में कंप्लीट हो चुका है, और आप लोग देख सकते हैं अभी तक इस तरफ धुआं था और वो ना चारों तरफ फैल चुका है, ये देखिए इस तरफ भी फैल चुका है, इतनी भयंकर आग लगी हुई है जंगलों में। तो पूजा संपन्न होने के बाद बच्चे अपने अपने घरों को जा रहे हैं, और केवल दादी जी आ रखे थे बस, और कोई पेरेंट्स नहीं आए, बाकी बच्चे सब अपने आप आए थे और अपने आप ही घर को जाने लग गए हैं। चलो तो घर पहुंचने के बाद मैंने अपने दरवाजों पे जौ वगैरह लगा दिया है, अब जा रही हूँ मैं दीदी के घर में। दीदी के घर में भी पूजा है आज, तो दीदी के घर में भी आज जो किचन बना हुआ है ना बगल पे, तो वहाँ पे वो किचन है, तो किचन का आज गृह प्रवेश है, वहाँ पे प्रवेश है आज किचन में इन लोगों का। साथ में यहाँ पे भी पूजा है तो पंडित जी यहाँ लगे हुए हैं, देखो हाय डुबू। तो बाकी दीदी लोगों के किचन में आज पूजा होगी, तो दीदी लोग अपने किचन में आज से खाना बनाएंगे, और दीदी ने ना नए मॉडल का किचन बना दिया है गांव में, वहां पे सिंक वगैरह भी अंदर ही लगा दिया है, बाकी चूल्हा तो बना रखा है, और यहां ना नीचे दीदी ने किचन मिट्टी वाला ही बनाया, जो नया वाला किचन बनाया ऊपर तो प्लास्टर कर रखा है लेकिन नीचे जो है मिट्टी बिछा रखी है, क्योंकि यहाँ पे चूल्हे की लिपाई करने के लिए ठीक हो जाए। आज तो छुट्टी है तो मैं आज अपने सारे कपड़े फोल्ड करके रख देती हूँ, मैं भी हफ्ते भर में एक दिन करती हूँ क्योंकि हफ्ते भर में एक दिन छुट्टी रहती है, तो उस दिन संडे को ही सारा काम करती हूँ, और आज छुट्टी।